सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता था। साहूकार की बहू तो भिक्षा दे देती थी, पर जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा देने के लिए आती थी तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और कहता, लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगती। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस प्रकार की चिंता है? तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है। वह कहता है कि तू है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात अब की बार मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसा ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुम्हें इतना मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। तब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप ने डस लिया, तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़पंखनी आई तो वह हर जगह खून ही खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। अब गरुड़पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको मनाऊं कैसे। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है। वो इस विषय में एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकार ने बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन ने उसे वचन देती है। अब साहूकार ने बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है सो तुम चलकर उसे सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बेटा बहू से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा। तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने कर रखी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिले। हर कोई सोमवती की जय जय करने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है।
वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जो सोमवती अमावस्या उसने रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया जो ये जिंदा हो गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो मैंने उसकी पूजा की थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करेगा, व्रत रखेगा, 108 फेरी पीपल की लगाएगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे हर किसी को देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।